Hi everyone, so let's move towards our today's topic, which is third week mein bahut sare important events hote hain. Number one, gastrulation, notochord formation, neural tube formation, somite formation. अब होता ये है कि gastrulation सबसे पहले होती है, तो हम इस वीडियो में gastrulation की बात करेंगे, जबकि notochord और neural tube और somite formation की हम अलग अलग वीडियोज़ में बात करेंगे जो कि इसी चैनल पर मौजूद है. सो gastrulation बेसिकली क्या होता है? gastrulation बेसिकली होता है कि पहले हमारे पास हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट दो बायलैमिनर जर्म डिस्क होती हैं, ठीक है ना. बायलैमिनर जर्म डिस्क कौन कौन सी हैं? एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट. ये बेसिकली गैस्ट्रुलेशन होती ये है कि गैस्ट्रुलेशन बायलैमिनर जर्म डिस्क से ट्राई लैमिनर जर्म डिस्क बनती है, यानी एक्टोडर्म एंडोडर्म मिजोडर्म. इस प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन. ये शुरुआत होती है इसकी प्रिमिटिव स्ट्रीक से. सही है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनते हैं. प्रिमिटिव स्ट्रीक बेसिकली कॉडल एंड से क्रेनियल एंड की तरफ बनता है. क्रेनियल एंड ब्रेन फॉर्म करता है, कॉडल एंड सोमाइट भी बनाता है, फिर आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बनाता है. सही. तो गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद द लाइन अपियर ऑन द एपिब्लास्ट नेम नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीक. कब ये विजिबल होती है? जब एम्ब्रियो 15 से 20 दिन का होता है, 15 टू 20 डेज का जब एम्ब्रियो होता है उस वक्त ये अपीयर होती है. प्रिमिटिव स्ट्रीक की अगर बात करें तो प्रिमिटिव स्ट्रीक जहां से उभरा हुआ होता है उसे कहते हैं प्रिमिटिव नोड, और वहां पर एक डिप्रेशन होती है जिसे कहते हैं प्रिमिटिव पिट. व्हेन टॉल कॉल्यूमिनर एपिब्ला रीच प्रिमिटिव स्ट्रीक इट बिकम फ्लैश शेप. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉल्यूमिनर एपिब्लास्ट हैं वो मूव करते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ, तो वो फ्लैश शेप बन जाते हैं. फिर क्या होता है जो हाइपोब्लास्ट है? अब एपिब्लास्ट ये सारे काम करा रहा है, तो याद रखिएगा एपिब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क. तो एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट में इन्वेजिनेशन होती है, वो इनवर्ड आ जाते हैं, ठीक है ना. इनवर्ड मूव करते हैं तो बीच में एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान स्पेस आ जाती है. अब होता ये कि हाइपोब्लास्ट बन जाते हैं एंडोडर्म, और बीच वाली स्पेस में सेल्स आ जाते हैं जो बनाते हैं मीजोडर्म, और एपिब्लास्ट बन जाते हैं एक्टोडर्म, ठीक है. एक्टोडर्म स्किन वगैरह बनाते हैं, एंडोडर्म इनर लाइनिंग बनाते हैं, और मीजोडर्म बोन्स वगैरह कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं. अब इसके डेरिवेटिव वगैरह मैं नोट्स में लिख दूंगा, क्योंकि ये याद करने की चीज़ है, तो आप इसे मेरे नोट्स से याद कर लीजिएगा. शुरुआत करते हैं एक और बात की, बात बतानी थी कि अगर प्रिमिटिव स्ट्रीक ये बेसिकली फोर्थ वीक तक जो है ना, एट द एंड ऑफ फोर्थ वीक प्रिमिटिव स्ट्रीक बेसिकली डीजेनरेट हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर एक ट्यूमर हो जाता है जिसे कहते हैं सार्कोकॉक्साइजियल टेराटोमा, ठीक है. अगर ये हो जाता है तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, और 35,000 एवरी 1% विल फेस दिस प्रॉब्लम. और अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विल डेवलप बिहाइंड द बॉडी एंड इट कैन बी सर्जिकल रिमूव एंड इट शुड बी सर्जिकली रिमूव. और ये इतना खतरनाक, इतना क्या, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता. अगर किसी के अंदर ये हो जाए तो वो ईजिली सर्जिकली रिमूव भी हो जाता है. फिर उसके बाद नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होती है. एक बात याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन आगे चल के अपने डेरिवेटिव बनाती है, लेकिन उसका कुछ पार्ट बच जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, जो अभी भी हमारे पीछे मौजूद है हमारी बैक साइड पर, न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है. तो फेट ऑफ नोटोकॉर्ड इज न्यूक्लियस पल्पोसस. फिर नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के बाद मेसेनकाइमल सेल्स एपिब्लास्ट से गुजर कर हाइपोब्लास्ट से प्रीकॉर्डल प्लेट की तरफ जाते हैं, और फिर वो नोटोकॉर्ड बनाते हैं. वो सारा प्रोसीजर मैंने नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग में बता दी, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. फिर विलाय भी बनते हैं, प्राइमरी विलाय बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और उनके अंदर जब मीजोडर्म चला जाता है तो सेकेंडरी विलाय बन जाते हैं, और जब वो विलाय RBC, WBC, कैपिलरीज बनाते हैं तो वो टर्शियरी विलाय बन जाते हैं.
द विलाय विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन बिटवीन फेटल एंड मेटर्नल ब्लड इज फ्री टर्मिनल विलाय. ठीक है, फ्री टर्मिनल विलाय इज द ओनली विलाय विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन बिटवीन मेटर्नल एंड फीटस ब्लड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, सो गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड गुड लक.